नमस्कार दोस्तों, समृद्धि क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं शॉर्टल जीवन का गुलाब का फूल बनाना बताऊंगी और साथ ही इसका गुलदस्ता बनाना बताऊंगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे बनाना है। और गुलाब का फूल बनाने के लिए हमने ये शॉर्टल जीवन लिया है और पतला लोहे का तार हमने लिया है और ये हमने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है इस लपेटने के लिए। और हमें इसकी कली बनाने के लिए अंडे का ट्रे हमने लिया है और इसे हम कटिंग करके निकाल लिए हैं। ये देखिए हमने कटिंग पहले से ही कर लिया है, इसे इस तरह से कटिंग करना है और इसे अभी हम एक बार और कटिंग करेंगे इसे सही शेप देने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको गुलाब बनाना बताएंगे। इस तरह से बनाने के बाद हम इसे दोनों छोर को पकड़ लेंगे इस तरह से। और एक छोर को पकड़कर इस तरह से धीरे धीरे हम इसे खींच लेंगे। ये देखिए ये बन गया गुलाब का खूबसूरत जब फूल बन गया ये। और इसे हम धागे से बांध लेंगे। देखिए ये गुलाब का फूल बन गया। और अब हम इसकी डंडी बताएंगे आपको किस तरह से बनाना है। घर में किसी भी पुराने दुपट्टे वगैरह से आप इसकी डंडी बना सकती हैं या ग्रीन कलर का आपके पास वुल पड़ा हो पुराना तो आप उसे भी बना सकती हैं। ये हो गई इसकी डंडी। और अब हम आपको बताएंगे कि पीछे की पत्ती कैसे बनानी है। ये बन गया उसका पीछे का पंखुड़ी। और अब हम इसे कलर करेंगे ग्रीन कलर से। ये हमने ग्रीन कलर पहले से ही बनाकर रखा था। देखिए ये बन गया आपका गुलाब का फूल। और हम इसे आपको गुलदस्ते में सेट करना बताएंगे अभी। देखिए दोस्तों हमने पहले से ही इतने सारे गुलाब बना कर रखे थे। जैसा हमने इसे बनाना अभी आपको बताया है वैसा ही हमने इसे भी बनाया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमें इसका पॉट कैसे बनाना है। इसका पॉट बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसके लिए हमने सीडी लिया है और इस तरह का बॉटल लिया है। आप किसी भी तरह का बॉटल ले सकती हैं। और इसे हमने
ये आरी वाली चाकू है, इससे हमने यहाँ से इसे काट दिया है और यहाँ से कट करके हमने यहाँ पर गोटे लगा दिए हैं। इसके लिए गोटे मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, तो ये गोटे हमने यहाँ लगा दिए हैं और नीचे भी लगा दिए हैं। और इसे लगाने से पहले हमने यहाँ इस तरह का फोम का कपड़ा हमने लिया है, ये कपड़ों में आता है, तो उसे हमने काट लिया है। इसी के आकार का हमने काट करके पीछे इस तरह से चिपका, इसको पहले चिपका लिया है और उसके बाद हमने एक बॉटल को इसमें चिपकाया है, तो ये इसकी पकड़ अच्छी हो जाती है। और अब हम इसे इस तरह से सेट कर देंगे। दोस्तों इस तरह से आप घर में पड़े बेकार और फालतू चीजों को भी उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल समृद्धि क्रिएशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।